हार्दिक जी को, अर्पित हमारे साथ है, माफ कीजिएगा, अर्पित जी को नमस्कार। सर सर नमस्कार, कैसे हैं सर? हम बहुत अच्छे हैं अर्पित जी, आप बताइए कैसे हैं, कहाँ से बोल रहे हैं आप? सर बहुत फर्स्ट क्लास, मैं सर लखनऊ से बात कर रहा हूँ। चलिए बहुत अच्छी जगह से बोल रहे हैं सर, आप लोग को नवाबों देख खुश के हैं। अरुण सर का बहुत बड़ा फैन हूँ सर। अरे सर बहुत अच्छी बात है, और अरुण जी यहाँ पर मौजूद हैं। अरुण सर ये कह रहे हैं आपके बहुत बड़े फैन हैं, आपके बहुत बड़े प्रशंसक हैं, बताइए सर अर्पित जी क्या प्रश्न पूछना चाहते हैं आप अरुण जी से? सर ओला इलेक्ट्रिक का शेयर मैंने लिया है, अभी लास्ट वीक लिया था, तो अच्छा, एक 114 का एवरेज है, 10,000 शेयर है। तो सर ओला इलेक्ट्रिक के साथ साथ इलेक्ट्रिक व्हीकल पे क्या व्यू है वो भी जानना चाहूंगा सर का। आपने 114 पे लिया है ना, जी जी सर, 8,000 शेयर लिए हुए हैं 8,000 है जी, 8,000 सर, जी, 10,000, 8,000 सर, 8,000 एट एट हजार 8,000 8,000 जी 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 क्वांटिटी, ये पूरा निवेश इसी में है या बाकी पोर्टफोलियो भी आपने बनाया हुआ है? सर और भी है, वरुण बेवरेजेस एंड केफिनटेक है, ठीक ठीक केपीआईटी ठीक कोई बात नहीं, अभी टेक्नोलॉजी अभी मैं तो खाली ये जानना चाह रहा था कि है बड़ा निवेश आपने यहाँ पर किया हुआ है, तो इस जी वजह से मैं जानना चाह रहा था। इलेक्ट्रिक व्हीकल के जी बारे में भी सर। बातचीत करते एक्चुअली सर हैं, ये थोड़ा नज़रिया आपका कितना बड़ा है सर? सा है सर, नज़रिया 1 साल का है एटलीस्ट 1 साल का है आपका, चलिए जी। करीब 9.25 लाख रुपए का निवेश जो है यहाँ पर इन्होंने किया हुआ है सर, ओला इलेक्ट्रिक को लेकर के 114 के भाव पे 8,000 शेयर इनके पास हैं। अब बड़ा सवाल ये कि यहाँ से शेयर चलेगा या नहीं, दो तरह के व्यूज़ हैं कॉमन आदमी के, क्योंकि कुछ लोगों ने मुझसे जब ये शेयर लिस्ट हुआ और उसके बाद से थोड़ी सुस्त लिस्टिंग के बाद लगातार चला, तो पहले तो हम लोगों को ट्रोल किया गया, बहुत लोग जानने वालों ने फ़ोन किया, बताया गया कि उनको महंगा है, तो वो लोग इतने आश्वस्त थे कि नहीं दिवाली से पहले ये 250-300 तक जाएगा जिस तरीके से ईवीज की बिक्री हो रही है, लेकिन लगातार जो तमाम एक्सपर्ट थे वो कह रहे थे थोड़े महंगे शेयर हैं, हालांकि इसमें गिरावट भी आई। अभी क्या करना चाहिए सर ओला इलेक्ट्रिक को लेकर के, क्या व्यू है इनका, नज़रिया 1 साल का है, बहुत सारे लोग हाई लेवल पे फंसे भी हुए हैं अभी हाल फिलहाल में, कुछ एक इंटरनेशनल ब्रोकरेज हाउसेज ने इनके रेटिंग और इनके लक्ष्य में भी बढ़ोतरी की है, अभी क्या रणनीति लेकर के ओला इलेक्ट्रिक में चला जाए? रफली 6 to 8% ऑफ माई पोर्टफोलियो साइज आई वॉन्ट एवरी मंथ। माई नेम इज विनय मंग। विपुल जी, जहां तक ईवी का सवाल है, इसके अंदर में मोमेंटम आ रहा है, नए लोग ईवी बनाने का काम शुरू किए हैं। बनाने का मतलब ये असेंबली, सभी असेंबली लाइंस हैं। ओला का जो एक फर्क है बाकी के मुकाबले, इसने अपना बैटरी का भी प्लान डाला है, काफी कुछ उसके अंदर में वो सफल हो चुकी है, और अगले 6 महीने में उसके जो ईवीज आएंगे, टू व्हीलर और उसके बाद मोटरसाइकिल, उसमें खुद की बैटरी पैक लगाकर वो बेचेगी। जब ये एक्टिविटी अप्रैल 2025 से शुरू हो जाएगी तो कंपनी को इसका बड़ा फायदा मिलेगा, क्योंकि जो व्हीकल जो वो ईवी बेचती है उसमें लगभग 1/3 पैसा इसी कंपनी का होता है, तो ये एक इम्पॉर्टेंट चीज है और आगे जाकर इस कंपनी के लिए पॉजिटिव चीज होगी। दूसरी ये बात ध्यान में रखनी चाहिए कि ईवी का जो जो सेल है, जो डिमांड है, वो धीरे धीरे बढ़ रहा है, लेकिन आज के दिन ओला के पास मार्केट शेयर जो है ईवी का वो 40-42% के आसपास का है, डोमिनेंट प्लेयर वही है। अगर आप राय ईवी के ऊपर पूछो तो प्रोग्रेसिव है, इसके अंदर में पैसा लगाने जैसा है। अगर आप स्पेसिफिक ओला की बात करें तो आप जिस भाव पे निवेशित हो इसे होल्ड कीजिए, आपको इसके इस समय जो तिमाही के नतीजे आएंगे सितंबर के में कुछ विजिबिलिटी देखने को मिलेगी, कुछ नई बातें बैटरी के बारे में पता चलेगी, और जो मोटरसाइकिल का डेवलपमेंट हो रहा है उसके ऊपर भी खबरें आएंगी, तो नतीजों का दौर शुरू होने वाला है सर, और जल्द ही इसके नतीजे भी आएंगे, तो आपको और ज़्यादा क्लैरिटी और ज़्यादा स्पष्टता यहाँ पर मिलेगी। अभी के लिए जिस रेट पे आपने लिए हुए हैं अच्छे लेवल हैं, होल्ड करने की ही सलाह आपको दी जा रही है। चलिए अगले दर्शक के पास चलते हैं और